दस रोजी। आखिर इस डबल मर्डर के पीछे की कहानी क्या है? इंस्पेक्टर साहब, जॉन से मैं पहली बार उसके ऑफिस में मिली थी। उसको एक सेक्रेटरी की जरूरत थी और मुझे एक। हाँ तो वो फाइल मैंने भिजवा दी ना आपके पास, आप चेक कर लीजिए उसे। ठीक है, हाँ शाम तक बताइए मुझको आप। मॉर्निंग सर। मैं बैठ सकती हूँ? यस प्लीज। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, किसी का वेट कर रही हो? एक्चुअली सर वो टैक्सी का वेट कर रही हूँ। ओह, रोज तो टैक्सी से जाती हो, आज हमारे साथ चलो। नहीं मैं चली जाऊंगी। ऐसी क्या बात है? मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। नहीं बट सर। बट वगैरह कुछ नहीं, आओ और बैठो। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम, बैठो। क्या बात करनी है सर? हाँ मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है सर? छोड़ो ना, पहली बात तो ये क्या खाओगी तुम? नहीं इट्स ओके, आप बात बताइए ना, क्या बात करनी है बताइए। रुको ना वेटर। इट्स ओके सर, इट्स ओके। यस सर। मैम के लिए पनीर टिक्का और मेरे लिए कॉफी। ओके ओके। पता है तुम्हें, जब से तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। ओह पता नहीं क्या बात होगी, अब तो खाना भी आ गया, अब तो बता दीजिए क्या बात करनी है आपको। पता है तुम्हें, मेरी जिंदगी में कुछ कमी नहीं रही, मेरे पास इज्जत दौलत शोहरत सब है। पर एक सच्चे प्यार की कमी थी, पर वो शायद तलाश पूरी हो गई। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आई लव यू, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी? Yes, I love you. Love you too. I know that I am so happy. ये सब आपने मेरे लिए किया? बेबी ये सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच।
क्या अदाएं पाई हैं मेरे महबूब ने, अब तो पाकर खो जाने को जी चाहता है। क्या बात है, आजकल बहुत शायरियां करने लग गए हो। क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत ने बना दिया इस सुहानी शाम के लिए। थैंक यू। वेलकम। असली शराब तो आपकी आंखों से पियेंगे हम, आपकी आंखों में डूबने का जी चाहता है। जी मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। उसके आगे क्या? इंस्पेक्टर साहब, जॉन से बहुत प्यार करती थी। और जॉन वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। पर मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। मी फाइन सर, पर कमर से नीचे कुछ एक्टिव नहीं लग रहा मुझे। देखो जॉन, तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, लेकिन एक और गंभीर बात यह है। क्या डॉक्टर साहब? तुम अब कभी बाप नहीं बन सकते। आई एम सॉरी।
लीजिए साहब, मैं देता हूँ। रामू देखो कोई आया है। जी साहब। नमस्ते मैम। हाय जीजू। हाय। हाय जीजू। हाय। थैंक गॉड डेजी तुम आ गई। अरे दीदी बुलाए और मैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा तुम कुछ खाओगी? रामू इनके लिए कुछ लाओ। जी मालिक। जीजू मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो अपने दीदी से मिलना। मैं चली। दीदी दीदी। डेजी रोजी घर पे नहीं है। लेकिन कहाँ गई है दीदी? तुम थक गई होगी, बाद में बात करते हैं। जीजू वो ठीक है, बट कुछ तो मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, मुझे बताया नहीं कि मुझे वो कहीं जा रही है। बाद में बात करते हैं। ओके। रामू तुम जाओ, आज मैं जीजू के साथ बैठती हूँ। जी मैम। क्या बात है जीजू, आजकल कहानियां लिखने लगे? कहानी? हाँ जरा मुझे भी तो सुनाइए। अब तो मेरी जिंदगी ही कहानी बन गई है, बस उसे किताब में उतारना बाकी है। क्या बात है जीजू, मैं जब से आई हूँ पता नहीं दीदी आपसे अलग अलग सी रह रही है। और आप भी अजीब सी पहेलियां सुना रहे हैं, आखिर बात क्या है? और अजीब सी उदासी आपके चेहरे पे मैं देख रही हूँ, आप जरा भी खुश नहीं हैं। जिंदगी में खुशी प्यार से मिलती है डेजी। मतलब कोई बात है? दीदी से लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं? हाँ जीजू मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे बात करो। पता नहीं हुआ क्या है, आजकल अलग से रहने लगी है। आने दो दीदी को, मैं आज उनसे बात करती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना? मुझे यकीन है तुम पे, तुम जरूर बात करोगी। यस डोंट वरी, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू डेजी। डेजी अब तक घर क्यों नहीं आई? तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगी। डेजी क्या हुआ इसको? कुछ नहीं बस। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। संभालो अपनी बहन को। मैं पहचानता हूं ऐसे लड़कों को, एक दिन संभालते हैं और दूसरे दिन।
हेलो। आप यहाँ रोज आते हैं? हाँ मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ रोज नहीं आती हैं। सही कह रहे हैं। खैर मेरे को आपको सॉरी बोलना था और थैंक्स भी। सॉरी क्यों? उस दिन मेरी बहन की वजह से आपको इतनी परेशानी हुई और जॉन भी आपसे खामखा गुस्सा हुए। सो आई एम रियली सॉरी। ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? खैर ये तो आपकी सोच है, नहीं तो आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ, जहाँ लड़की देखी वहाँ फायदा उठाने लग जाते हैं। सो तो है, पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। जैसे कि आप। ओह रियली? ओके मैम, मैं चलता हूँ। मैम नहीं, रोजी। ओके नाइस टू मीट यू। बाय। अब दोबारा मुलाकात कब होगी? दूसरे से इतना ही प्यार करते थे तो फिर उसे मारा क्यों? इंस्पेक्टर साहब, पेट की भूख तो कोई भी मिटा सकता है, लेकिन जिस्म की भूख किसके आगे हाथ फैलाओगे? नाश्ता करिए, करो ना बाबा। क्यों आज भी जल्दी जाना है क्या? आप पूरे दिन अपनी कहानी लिखने में बिजी रहते हैं और मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, बस इसलिए बाहर जाती हूँ। अब नाश्ता कीजिए ना। रामू साहब को जूस दो। महफिल की कहानी कभी अधूरी नहीं रहती, लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। तन्हाई की कहानी कभी पूरी नहीं होती, ढूंढते हैं अपनों को और अपने आप को ही पाते हैं। ओके बाबा ओके, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट।
अरे देव, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देव, तुम समझने की कोशिश करो, जॉन घर पे है। कितना फोन किया तुम्हें मैंने, लेकिन एक फोन का भी जवाब नहीं दिया तुमने, क्यों? मेरी कुछ मजबूरी है। कैसी मजबूरी? तुम उसे प्यार करती हो ना? हाँ बाबा, पर जॉन को शक होने लगा है कि मैं रोज किसी से छुप छुप के मिलने जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। रोजी, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्यों तुमने मुझे परेशान कर रखा है? रोजी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर तुमने अपनी बहन को क्यों मारा? क्योंकि वो केवल मेरे बीच में आ गई थी। दीदी, ये गोलियों की कैसी आवाज थी? दीदी, जो अपने ही पति के हत्यारण बन गई, क्यों दीदी, क्यों किया आपने ऐसा? दीदी, क्यों किया? तुम नहीं समझोगी दीदी। देव, तुम यहां, अब मैं समझी कितने कमीने हो तुम। अरे मैंने तो तुमसे प्यार किया था और तुम, छी, सॉरी डेजी।
कामयाब हो गया। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। किसको पता है? मैं कुछ नहीं जानता। वहाँ था कौन तेरे सिवा? मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे नहीं मानेगा, लातों का भूत है तू, बातों से नहीं मानेगा। ए, ले जा इसको, जब तक एक सच्चाई अपने मुंह से नहीं निकालते तब तक छोड़ना मत इसको, मारो साले को।